Good morning children. Today I will start chapter number five of class second. That is my sweet home. As we all live in a house, like us all birds, animal and insect also live in their houses. We all love our houses very much. Just चिड़िया जानवर और छोटे कीड़े मकोड़े भी अपने घरों में रहते हैं वो अपने घर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ देर वॉज अ ग्रेट बिग बैनियन ट्री इट वॉज द बिगेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट इट वॉज़ द होम ऑफ मैनी बर्ड्स एनिमल एंड इंसेक्ट बहुत पहले की बात है एक बहुत बड़ा सा पेड़ था बरगद का पेड़ था उसमें बहुत सारे जानवर रहा करते थे चिड़ियाँ रहती थी और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी रहते थे वन डे ए मैन केम अलॉन्ग विद ए बिग एक्स इन हिज हैंड एक दिन एक लकड़हारा एक बड़ी सी कुड़ी लेकर अपने हाथ में आया वट अ ट्री ही सेट इफ आई कट इट डाउन and sell the wood i shall get a lot of money then i can buy some land and build a house may be i i can keep some sheep and goats usne jab aake dekha bole ye kitna bada ped hai agar main ise kaat du तो इससे मुझे बहुत सारे लकड़ी मिलेगी और पैसे मिलेंगे तो इससे मैं जमीन खरीदूंगा और घर बनाऊंगा और उसमें मैं शीप को भी रखूंगा भेड़ को और गोट को भी रखूंगा ऑल द एनिमल्स हर्ड दिस दे कम आउट ऑफ देयर होम्स सारे जानवरों ने इस बात को सुना और वो अपने घरों से बाहर निकल आए फोर लिटिल माइस कम आउट फर्स्ट एंड सेट पहले चार चूहे निकल कर आए उन्होंने कहा प्लीज़ डू नॉट कट डाउन आवर ट्री वी लिव अंडर इट roots. इट्स आवर होम आप उन्होंने कहा कि इसको मत काटो हम इस पेड़ की जड़ों के नीचे रहते हैं यह हमारा घर है सम बीटल्स एंड मॉथ्स कम कम टू द वुड कटर दे सेट प्लीज डू नॉट कट डाउन आवर ट्री वी लिव इन इट्स बाक्स इट इज आवर होम बीटल्स और मौथ्स छोटे छोटे कीड़े होते हैं ये निकल कर आए उन्होंने कहा इसको मत काटो हम इसकी तने में रहते हैं यह हमारा घर है द बीटल एंड मॉथ्स व फॉलोड बाय द स्वाम ऑफ बीज फिर एक मधुमक्खियों का झुंड निकल आया

on its branches finally the bird flew down and said please do not cut down our tree we live along its leaves our nest are on its branches फिर चिड़िया भी उतर कर आ गई उन्होंने कहा हम इनकी शाखाओं पर रहते हैं और इसमें हमारे घोंसले भी बने हुए हैं show said the man i do not

ये बात सुन के जानवरों को बहुत गुस्सा आया तो चिड़ियों ने अपनी चोंचों से उसके सर पर मारना शुरू किया ओह ही शाउटेड यू आर हर्टिंग मी वो जोर से चिल्लाया तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो द मंकी बिगन टू थ्रो स्टोन एट हिम ओह ही शाउटेड यू आर हर्टिंग मी बंदरों ने पत्थर फेंकना शुरू किए उसने तो कहा तुम मुझे मार रहे हो द बीज एंड बीटल्स बेगैन टू स्टिंग हिज हेड एंड फेस मधुमक्खियों ने और मधुमक्खियों ने उसके सर, उसके सर मुंह और हाथ पर काटना शुरू किया अपने डंक गड़ाने शुरू कर दिए द वुड कटर वॉज फ्राइटेंड ही रन अवे वेरी फास्ट एज ही कुड वो बहुत डर गया लकड़हारा और वो वहाँ से जितनी जल्दी भाग सकता था भागा द लिटिल माइस एंड मौत कुड नॉट डू एनी थिंग इसी छोटे चूहे और माउथ तो कुछ कर नहीं पाए ऑल द क्रीचर्स उन्होंने अपने और साथियों का धन्यवाद किया ऑल द क्रीचर्स व हैप्पी सारे प्राणी जो थे अब बहुत खुश थे This chapter is completed. Now you have to read carefully and do the answers and exercises.